तो आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टर के कैलकुलेशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है वाल एरिया, जिसमें प्लास्टर होगा 100 मीटर स्क्वायर, इसका जो थिकनेस है 10 mm है, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करके इसका वॉल्यूम निकालेंगे मोटर का। उसके बाद जो रेशियो हमारा दिया हुआ है सीमेंट और सैंड का, वो 1:6 दिया हुआ है। तो आप अपने से एक बार बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आंसर मिला सकते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी। तो सबसे पहले मोटर का वॉल्यूम निकालेंगे। मीटर स्क्वायर हमारा दिया हुआ है एरिया और थिक है 10 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.010 आएगा हमारा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 m³ हमारा वॉल्यूम आएगा। उसके बाद वेट वॉल्यूम से ड्राइव वॉल्यूम में चेंज करने के लिए 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा टोटल वॉल्यूम 1.25 m³ आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले जो सीमेंट का रेशियो दिया हुआ है 1:1.25, जो टोटल वॉल्यूम है हमारा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, रेशियो को जोड़ के डिवाइड कर देना है। तो हमारा निकल के आ रहा है 0.178 m³। इसे सीमेंट के डेंसिटी से 1440 से मल्टीप्लाई करने पे 256.32 हमारा kg आ रहा है। अगर इसे 50 से डिवाइड कर देते हैं तो 5.12 bags आ रहा है, मतलब 6 bag हम लेंगे। उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालेंगे। इसके लिए सैंड का जो रेशियो है 6:टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 1.07 m³। तो हमारा सीमेंट निकल के आ रहा है 6 bag और सैंड निकल के आ रहा है 1.07 m³। ये हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे जब भी हमारा वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा।